मारिया, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने शो देखा हुआ है? जी थोड़ा बहुत तो देखा। थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ आ गया यानी कि सारा कि क्या होता है? जी बिल्कुल। सो यू हैव आइडिया? हाँ थोड़ा बहुत है आइडिया। आपके ड्रामों का करियर का आगाज हुआ था, पहला ड्रामा था आपका आदि गवाही। जी। तो आदि गवाही से याद आया, नून लीग का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अब हमारा बुरा हाल था तब भी हम कहते थे अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। और आप देखिए, आप तो अच्छा हाल है। आपके बुरे हाल में भी हम आपको कितना याद रखते थे। आपका शुक्रिया, आपकी वजह से बड़ी, मुझे तो खास तौर पर बड़ी इज्जत मिली हुई है। नहीं नहीं, वासे साहब और आप ये जो हमारे भाई हैं, इनकी वजह से प्यार करो। मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपकी वजह से बड़ी मुझे दुनिया के कोने कोने में पहचान मिली थी, और मैं उस बात का मशकूर भी हूँ। नून लीग का हाल बहुत अच्छा है। अच्छा जी। और आजकल बड़ साहब बहुत खुश रहे ना। वो क्यों? बड़े मियां साहब आए नाली मोबाइल भी लेके आए ना। कितनी बार मेरे को मोबाइल मंगया पर मैं तुम्हें दिता नहीं, और गुस्सा कर देना। वैसे मियाँ साहब आ गए हैं वापस, मुलाकात हुई आपकी? अभी मुलाकात तो नहीं मियाँ साहब से, वो जलसे में वो जो मियाँ साहब का खूबसूरत स्टाइल, वो कबूतर वाला यमन वाला सारा कुछ जी जी। उनकी स्पीच सुनी है। अच्छा। अभी उसी नशे में मगन है उनकी वो तकरीर के। पूरी कौम ने देखा कि मियाँ साहब ने एक अमन का पैगाम दिया, एक मैसेज दिया कौम को, और ये बात कही कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, और जो पीछे मुल्क का जो हाल हो गया हुआ था, खराब हाल, उसको हम बेहतर बनाएंगे। और बड़ा अच्छा मैसेज दिया मियां साहब ने। सर उस जलसे का मेनू नुकसान होया सर। क्यों जी? मैं उत्थे पूरा जलसा सुनया, वापसी तक बंदे ने मेनू 1-5 का वादा किया, नहीं मिले। 1-5 तो मिलना ही, जो बंदे लेके जाते कल्ले ही चले गए। मारिया आपकी पहले मुलाकात है कभी? नहीं। भट्ट साहब से? नहीं। तौफीक भट्ट साहब जो हैं ये गुजरांवाला से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े जबरदस्त वर्कर हैं, एमपीए भी थे अभी पंजाब असेंबली के अंदर, ये टिल द टाइम इट वाज देयर। और आपको आसान लफ्जों में अगर बताऊं मैं जी, तो मैं भट्ट साहब का, आपने गदर फिल्म देखी हुई है सनी देओल साहब की जो थी जी, बिल्कुल, जिसके अंदर वो दिखाया था कि लाहौर आया और वाटर पंप उखाड़ दिया उन्होंने। तो भट्ट साहब जो है वो गुजरांवाला के सनी देओल है, इन्होंने वहां पे गमले और दरख्त उखाड़े थे। वो तो मैंने ये बात की थी कि दरख्तों को लगाना है 25 फुट के फासले पे लगाएं जी, मगर उस वक्त ये नया पाकिस्तान, कोई बात भी ऐसी उनको पसंद नहीं आती थी जो अपोजिशन का कोई बंदा चाहे अच्छी बात भी करे, उसको कहता इसको अंदर कर दो, इसको जेल में डाल दो, तो इसको नहीं छोड़ूंगा। आपने क्या किया था वो पौधे के साथ जो उन्होंने? नहीं, मैंने तो सिर्फ बात की थी खड़े हो गए कि पौधे 25 फुट के फासले पे लगाए। वैसे भाई इन्होंने अंज करके गमला पुटिया, पुलिस आ गई, कोई शर्मिंदा नहीं, उन्होंने कह रहे मैं पानी लाना आया। सच्ची बात है, पुलिस आई नहीं थी, वैसे झूठा ही पर्चा उन्होंने दे दिया, पुलिस नहीं आई। हाँ मगर फिर मामला रफा दफा हो गया था। तो भट साहब जो है वो गुजरांवाला से, और बड़े बेचारे बड़े स्वीट आदमी हैं। बेचारा तो नहीं मैं, बेचारा। मारिया एक्टिंग करियर के स्टार्ट में आपने स्ट्रगल की थी कि आपको आते ही मेन लीड पे रोल मिल गया था? नहीं ऐसा नहीं है, पहले मैंने स्पोर्टिंग लाइक कैरेक्टर्स किए, फिर मैंने मेजर कैरेक्टर्स किए, और देन फिर लोगों को पसंद आया और फिर उन्होंने मुझे लीड ऑफर किया। तो स्ट्रगल तो बिल्कुल, स्ट्रगल तो मैंने की। आपको कौन सी एक्ट्रेसेस पसंद हैं? मुझे सभी पसंद है, सब सभी बहुत नहीं हो सकती, नहीं सच में सभी पसंद है, सब बहुत जो अच्छा फेवरेट होता है ना उसकी बात पूछ ली। वो एक्टर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम करते हैं वो कौन से हैं? लाइक माहिरा खान हैं, उसके बाद हुमायूं सईद हैं। हुमायूं सईद और माहिरा खान जी, ये दो निकले? हाँ ये अच्छे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मतलब हम एक्टर्स जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है। So, ये दो है ना, देखें आपने शुरू में कहा था सभी दो, बहुत आप मुझे जानबूझ के फंसाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं फंसाना नहीं, तो कह रहा हूं आप अगर 3-4 के नाम भी लेंगी सो दैट इज फाइन, आप जो सभी कह रही हैं तो सभी, तो फिर सभी मतलब सब लोग, 200-300 बंदा निकल आएगा, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पसंद पूछी। हाँ ये देखे ना, वो भी कह रहे हैं सियासतदान, कह रहे हैं सियासी जवाब। जिस तरह अगर मैं इनसे पूछूं कि आपको शहबाज शरीफ साहब पसंद है नवाज शरीफ साहब पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? बल्कि इन दोनों के साथ साथ हमें हमारी बहन मरियम नवाज भी पसंद आप है, मुझे और हमजा शहबाज भी पसंद। आप मुझे सियासी बयान ना दें, अब जिस तरह उन्होंने कहे तो आप, मैं तो सियासतदान हूँ, मैंने तो सियासी बात कर दी। अगर भट्ट साहब टिकट मिल रही है, क्योंकि अब सुना नून लीग की टिकटों का भी बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है। नहीं हाँ, इकबाल साहब और दानियाल अजीज साहब वाला सीन तो नहीं होने लगा? नून लीग की टिकटों का मामला जो है ना, वाकई इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो मुकाबला है जमात में टिकटों का, वो नून लीग ही है। हाँ जी, ये बात आपने सही की है, मैं मानता हूँ कि नून लीग की टिकट हासिल करने के लिए लोग बड़ा मुकाबले कर रहे हैं,
और मुझे तो टिकट अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी, अल्लाह का शुक्र है। पहली दफ़ा भी मुझे मेरे कायदीन ने टिकट दी, दूसरी दफ़ा भी दी, तो अब भी इंशाल्लाह ताला मुझे टिकट। एक टिकट तो वापस करन चल गए मियां साहब, तुसी फिल्म दी देती जे। चलो ये छोड़े, आप बताएं आपकी मारिए जिसे मुलाकात है। नहीं सॉरी। अच्छा बात सुने, मुलाकात उनसे नहीं, उनको सॉरी बोले, मुझे क्यों बोल रहे हैं? नहीं आपने बाहर मिलाया ही नहीं है तो फिर मैं क्यों कह दूं मुलाकात है? ये जो आप लोगों को बाहर मिलने की आदत पड़ गई है ना, ये अब छोड़ दें। मगर मारिया आप पहले अपना कोई ड्रामा बताएं इनको, जो आप चाहती हो कि ये वो देखें ताकि इनको पता हो चले कि आपकी एक्टिंग क्या है। आपका आजकल कौन सा ड्रामा चल रहा है आप वो बताएं ताकि यूट्यूब पे देखें। मेरा ड्रामा जो आजकल हिट चल रहा है वो है दिल ही तो है, ARY पर। दिल ही तो है, आपने व्हाट्सएप देखने दिल ही तो है, दिल ही तो है जी, जो बिल्कुल आपका आजकल बहुत है। दिल ही तो है एक हो गया, और बताइए कोई आपका रिसेंट कोई ड्रामा हो। और फितना, अरे आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? मैंने अभी तक तो नहीं किया। अभी तक तो नहीं किया, और अब आ रहा है तो आपने माइंड बनाया उसके लिए? इलेक्शन आ रहे हैं जी, मैं इस साल सोचा है कि वोट कास्ट करेंगे। मुझे बताएं आपके खानदान में कोई एक्टिंग वगैरह करता था पहले? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी। तो फिर आपको ये ख्याल कहां से आया एक्टिंग का? मुझे शुरू से ही था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, लेकिन क्योंकि स्टडीज भी जरूरी थी तो मैंने बिजनेस भी पढ़ा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लाइक इस साइड पे माइंड है, बट मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मैं बिजनेस भी करूँ। ओके, यू वांट टू परसू दैट एज वेल। या exactly. और कोई आपके फेवरेट एक्टर्स थे जब आप जिनको देखती थी दैट यू वांटेड टू वर्क विद? सभी लोग अच्छे हैं। मैंने लाइक आशिफ महमूद के साथ काम किया जो लाहौर में होते हैं, इसके अलावा बुशरा अंसारी और ये सब जितने भी सीनियर्स हैं इनको मैं देखती थी और मेरा दिल करता था इनके साथ काम करो। कर लिया, जबरदस्त माशाल्लाह से। सर मुझे ये बताएं कि आप अभी सुना रिसेंटली बड़ा फिर भी रहे थे, कहाँ कहाँ फिर रहे थे आप? जापान गया हुआ था। जापान आप क्या करने गए? मेरे दोस्त है ना सारे मुल्कों में बाहर, हाँ वैसे मेरी बड़ी हेल्प भी करते हैं, दुआ भी मेरे लिए करते हैं, और है अभी वैसे मेरे मुखालिफ जमात का ज्यादा है। मुखालिफ जमात का ज्यादा है जो बाहर के मुल्कों में ज्यादा है। मगर बट साहब मुझे मगर मेरे से खुसूसी मोहब्बत। पहली दफा गए आप जापान? हाँ मैं पहली दफा गया। तो किधर गए आप वहाँ पे जापान? जापान गया था मैं, टोक्यो गया था, और उसके अलावा भी कहीं शहरों ने नाम भूल गया मैं, बड़े मुश्किल नाम है। अच्छा पता नहीं वो नगवादा नवादा इस तरह के नाम है, मैं भूल गया हूँ सत्य। अच्छा जापान तो कैसा लगा वैसे जापान आपको? अच्छा दुनिया के तमाम मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ये बात है। जापान भी पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। अच्छा मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जापान के जो लोग हैं ना, हाँ वो एक कौम बने हुए हैं और वो इतने अच्छे लोग हैं, जितने भी उनकी तारीफ करें कम है। जो सफाई हमारा कहते हैं ना, सफाई निसब ईमान है। हाँ जी वो सफाई पे 50 नंबर तो उनके हैं ना, निसब तो ईमान उनका है पूरा हो गया, और बाकी वो सच बोलते हैं। अच्छा जी वो डिसिप्लिन है, सब्र करने वाले हैं। मतलब हमें तो यही मैसेज दिया गया था ना, सब्र करें डिसिप्लिन से, ईमान इत्तेहाद तंजीम, ये सारे मैसेज हमें बड़े और भी हमारे जो एक इस्लामी माशरे में वो सारे उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं। इखलाक जो है ना वो बेहतरीन उनके पास वो एक समय लेते आ रहा है, जिससे वो दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, दिलों में हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वो छाए हुए हैं। पर उनसे सीखे। जापानी सीखी आपने कोई? हेलो हाय कोई तक के लेवल की? नहीं मैं सॉरी नहीं। तो कैसे बात वगैरह करनी पड़ जाती कहीं जा रहे हो कुछ लेना वेना हो तो क्या कहते थे आप? तो मैं टूटी पर इंग्लिश ही कर लेना। उनको इंग्लिश आई थी फिर? हाँ इंग्लिश वो कम समझते हैं। कम समझते हैं वो, मैं इसलिए उन पे ज्यादा हावी हो जाता था कि वो मेरे से भी कम समझते हैं।